अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आ रही है क्विज से, जो कि हम बात करेंगे। चैनल को आप हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो जल्द से जल्द अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करें, क्योंकि अभी जो लोग वीज़ा अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अभी उनके पास में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। अपना 2 दिन के अंदर अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे फिर ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। उसके बाद में आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है क्या उसके बाद भी जो है इस चीज़ को, इस डेट को एक्सचेंज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान दें, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो वीज़ा को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कराएं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुवैत में इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कुवैत के अंदर कार्रवाई की जा रही है, जो लोग इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक, जैसे बहुत सारे लोग जो है अलग अलग लाइसेंस जो है अभी इशू करने के लिए अप्लाई किए हैं, क्योंकि बहुत सारी जब चेकिंग हुई तो लोगों ने अलग अलग तरीके के लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई किया है, तो एक ही दिन के अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोगों ने जो है अप्लाई किया है। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो हो सकता है आपने भी अप्लाई किया हो, या नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना काम जो है शुरू कर दें और अप्लाई कर दें। बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ्तारी चेकिंग के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत में अंदर रहते हैं तो अभी लगभग बायोमेट्रिक जो है लोगों ने, बहुत सारे लोग बायोमेट्रिक नहीं कराए हैं, लगभग 8 से 9 लाख अभी भी बाकी हैं जो कि बायोमेट्रिक नहीं कराए हैं। तो अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द बायोमेट्रिक कराएं, नहीं तो फिर आपका बाद में लेन देन जो है वो ख़त्म हो सकता है। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।